This news is brought to you by Trivedi Overseas Jalandhar Amritsar. एशियन डेवलपमेंट बैंक की टीम शनिवार को नाहन पहुंची। यहां टीम ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में हुई बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद टीम ने नाहन के कई स्थानों का दौरा किया, जिनका कि आने वाले समय में संरक्षण और विकास किया जाएगा। बैठक के बाद एडीबी की टीम और विधानसभा अध्यक्ष ने नाहन फाउंड्री समेत कई जगह निहारी। दरअसल नाहन फाउंड्री को शिल्प ग्राम बनाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही नाहन शहर की ब्यूटिफिकेशन सहित कई धरोहर स्थलों का संरक्षण और विकास किया जाना है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि 12 अप्रैल को जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नगर पालिका के कार्यक्रम में नाहन आए थे, उस समय उनके सामने महत्वपूर्ण धरोहर स्थलों को एडीबी के माध्यम से प्रायोजित करने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद ही शनिवार को टीम ने नाहन का दौरा किया। स्मरण कराना है 12 अप्रैल 2018 का, जब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी नाहन नगर परिषद के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के ऊपर यहाँ पधारे थे, और उसी दिन नगर पालिका ने, हम सब नगरवासियों ने मिलकर के इस नगर की हेरिटेज साइट्स को डेवलप करने और एक टूरिस्ट इम्पोर्टेंस का स्थान बनाने का आग्रह किया था। हम उनके आभारी हैं, धन्यवादी हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के इस वर्ष के प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने नाहन टाउन की ब्यूटिफिकेशन और हमारी हेरिटेज फाउंड्री को क्राफ्ट विलेज में परिवर्तित करने की योजना को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया है। आज एशियन डेवलपमेंट बैंक टूरिज्म के अधिकारी और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने एक हाई लेवल मीटिंग की है, जनता से भी सुझाव मांगे हैं और स्पॉट इंस्पेक्शन करने का काम चला है। अभी नाहन फाउंड्री, कालिस्तान तालाब, इसको देख करके लाल कोठी, विला राउंड देखते हुए, रानीताल, रामकुंडी को देखते हुए और फिर स्केती फॉसिल पार्क देख करके, और आने वाले दिनों में एडीबी के कंसल्टेंट्स अपनी योजना बनाएंगे और फाइनली मनीला से उनके अधिकारी आकर के इसको देखेंगे। हमारा प्रयास है कि नाहन एक बार धरोहर नगर के रूप में आगे बढ़ता हुआ विकसित हो और हम रोजगार की दृष्टि से, यहाँ पर टूरिज्म की दृष्टि से और आर्टिजन्स जो क्राफ्ट का काम करते हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी की दृष्टि से इसको खड़ा कर सकें, ऐसा प्रयास करने हेतु आज यह बैठक बुलाई गई। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए नाहन से राकेश थापा की रिपोर्ट। लो जी, शुक्रिया जी। चाचा जी, की हाल है मुंडे दा ऑस्ट्रेलिया विच? कृपा जी, चुक नाल कमाई करने वाला हो गया, समझ नहीं आती तुहाडा धन्नवाद किवें करिए। धन्नवाद मेरा नहीं, त्रिवेदी ओवरसीज दा करो, जिन्हां ने अपने वर्गे हजारां लोकां नूं सही राह विखाया है। त्रिवेदी ओवरसीज, turning dreams into reality.